स्टूडेंट्स, भौतिक विज्ञान की क्लास में फिर से आपका स्वागत है। कल हमने पढ़ा था कि जब किसी दर्पण के सामने वस्तु को रखा जाता है तो वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। यह हमने कल की क्लास में देखा था और इसके लिए हमने चार कंडीशंस पढ़ी थी जिसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। पहली कंडीशंस थी, ये हमारे पास अवतल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष, इसका वक्रता केंद्र C और इसका मुख्य फोकस F। पहली जो कंडीशन हमने ली थी वो थी जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ये पहली कंडीशन हमने पढ़ी थी प्रतिबिंब निर्माण में। इन चार कंडीशंस की हमें आवश्यकता पड़ती है, पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन हमने देखी थी, यह अवतल दर्पण की दूसरी कंडीशंस प्रतिबिंब के निर्माण के लिए कोई चार किरणें हमें आवश्यकता पड़ती है। चार किरणें कौन कौन सी है? ये वक्रता केंद्र C, मुख्य फोकस F। दूसरा हमने पढ़ा था जो किरण वक्रता केंद्र C से होकर गुजरती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग पर लौट आती है। ये किरण यहां से वक्रता केंद्र C से होकर जा रही है और जैसे ही दर्पण से परावर्तन हुआ वापस अपने इसी मार्ग पर वापस लौट आती है। यह दूसरी थी कंडीशंस। तीसरी जो किरण हमने ली थी वो ली थी हमने जो किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जो किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, ये किरण हमने ली, ये मुख्य फोकस से होकर जा रही है तो ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये तीसरी किरण ली थी और फोर्थ किरण ली थी हमने जो किरण ध्रुव पर आपतित होती है, जो किरण ध्रुव पर आपतित होती है ध्रुव से जब इसका परावर्तन होता है तो मुख्य अक्ष के साथ आपतन कोण और परावर्तित किरण के कोण बराबर होते हैं। मतलब जब ध्रुव पर आपतित होगी तो आपतन कोण और परावर्तन कोण के मान इसके बराबर होंगे। ये चार किरणें हमने पढ़ी थी जो दर्पण पर आपतित हो रही है, इनमें से किन्हीं भी दो किरणों से हम प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं। ये हमारी प्रीवियस क्लास के तहत ये टॉपिक्स हमने लिए थे और इसी से हम प्रतिबिंब का निर्माण करके देखेंगे। तो अब हम टॉपिक ले रहे हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, इनका हम उसमें उपयोग करके देखते हैं। तो हमारा टॉपिक है आज का अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, मतलब अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से हम करेंगे। तो पहली कंडीशन सब लेते हैं कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, कैसा बनेगा, वो पहली कंडीशन हम ले रहे हैं। तो पहला, जब वस्तु अनंत पर
जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, इसमें कहां पर प्रतिबिंब बनेगा वो हम देखते हैं। ये हमारे पास अवतल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष, इसका ध्रुव, ये इसका वक्रता केंद्र C और ये मुख्य फोकस F। अनंत से प्रकाश किरणें चलती है और यहां से अवतल दर्पण का परावर्तन होगा, तो ये किरणें अनंत से आ रही है, मतलब हम इस प्रकार से समांतर किरणें बनाएंगे, ये अनंत से आ रही है, सब किरणें कहां से चल रही है, अनंत से चल रही है, यहां से निष्क्रिय समय लग जाएगी। जब अनंत से चलेगी तो ये किरण अनंत से आ रही है, मतलब समांतर आ रही है, इस प्रकार से मान सकते हैं, तो ये किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। इधर जो किरण आ रही है वहां भी इसका परावर्तन होगा और ये भी मुख्य, क्योंकि भी समांतर आ रही है तो ये भी मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। ऐसे और किरणें होगी वो भी मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा, मुख्य फोकस पर बनता है। मतलब ये हो गया कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वस्तु से छोटा होगा क्योंकि वस्तु अनंत पर है, तो सपोज अनंत पर है तो अपन इतनी बड़ी वस्तु मान सकते हैं, इतनी बड़ी है तो ये तो यहां पर आकर इतनी सी बन रही है, तो कहां तो इतनी बड़ी चीज, कहां इतनी सी चीज, इस वजह से क्या हो गया कि जो प्रतिबिंब है वो बहुत छोटा बनेगा। मतलब ये हो गया कि प्रतिबिंब जो होगा वो वस्तु से छोटा होगा, कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा, और वास्तविक बनेगा जो कि उल्टा होता है। तो यहां पर हो गया जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है, जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, कहां बनेगा, फोकस पर बनता है। यह जो प्रतिबिंब बनेगा यह वास्तविक होगा, यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा होता है। तो ये हमारी कंडीशन क्लियर हो गई कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा, छोटा होगा और क्या होगा, वास्तविक होगा। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे ही बनते हैं। दूसरी कंडीशन, ये तो हो गए हमारे कंडीशन जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। दूसरी कंडीशन हम ले लें, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र सी के मध्य स्थित हो। जब वस्तु कहां पर हो, अनंत तथा वक्रता केंद्र सी के मध्य स्थित हो तो कहां पर बनेगा, ये भी हम देखते हैं। ये पहली कंडीशन मैंने ली थी, अब दूसरी कंडीशन ले रहा हूं मैं, सेकंड कंडीशंस ले रहे हैं, जब वस्तु अनंत एवं
वक्रता केंद्र सी के मध्य स्थित हो, मध्य स्थित हो। सेकंड कंडीशन है, जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र सी के मध्य स्थित हो तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, यह हम इस क्लास में देखेंगे। तो देखें यहां पर, यह मैंने अवतल दर्पण ले लिया, यह अवतल दर्पण है हमारे पास, ये इसका वापिस मुख्य फोकस है, सॉरी मुख्य अक्ष, ये इसका इतना भाग हुआ, तो यहां पर इसका वक्रता केंद्र होगा, ये सी वक्रता केंद्र है, ये ध्रुव ओ है और ये इसका मुख्य फोकस एफ हुआ। तो ये सी, ये एफ, ये ओ। तो अब बात करें, अब वस्तु कहां रखी हुई है, अनंत और वक्रता केंद्र सी के मध्य। ये वस्तु रखी हुई है अनंत और वक्रता केंद्र सी के मध्य। ये एबी वस्तु हुई, ये वस्तु से चलने वाली पहली किरण, जो किरण मुख्य अक्ष के, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है वो कहां से होकर गुजरती है, पहली कंडीशन हमने पढ़ी थी उसमें किरणों के चलने की मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, ये पहली किरण मुख्य फोकस से होकर गुजर गई। दूसरी कंडीशन की बात करें हम, कोई भी दूसरी किरण ले लो, चार किरणों में से कोई भी दो किरण लेनी, पहली कंडीशन ले ली हमने, ये वस्तु ए भी रखी हुई है और ये वक्रता केंद्र इसके मध्य है, अनंत के मध्य, तो यहां से चलने वाली जो किरण है एबी से, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है वो दर्पण के, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस होकर गुजरती है। दूसरी हम लेते हैं, जो किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, जो किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यह मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, ये किरण जा रही थी और ये यहां पर क्रॉस किया, यहां पर मिली दोनों किरणें, तो यहां पर होगा प्रतिबिंब का निर्माण। यह प्रतिबिंब बना, ये एरो वाला निशान ए और ये बी, तो ये ए बी का उल्टा प्रतिबिंब। यहां पर वस्तु इतनी बड़ी थी देखे अपन, और यहां पर वस्तु उससे छोटी हो गई, मतलब ये हो गया कि जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र सी के मध्य स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस एफ के मध्य बनता है, और वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा। तो यहां हम लिख सकते हैं, जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र सी के मध्य रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी तथा मुख्य फोकस कैपिटल एफ के मध्य बनता है।
मध्य बनता है और कैसा होगा यह प्रतिबिंब? यह प्रतिबिंब, यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा होता है। हम बार बार लिखे वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक का मतलब ये किरणें रियल में मिल रही है, वास्तविकता में मिल रही है, कल्पना नहीं है। इस वजह से वास्तविक प्रतिबिंब होगा, बिंब नीचे चला गया, उल्टा हो गया, वस्तु ऊपर रखी हुई थी, बिंब नीचे जा रहा है तो उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। यहाँ पर वस्तु इतनी बड़ी थी, प्रतिबिंब उससे छोटा बन रहा है, तो ये कंडीशन ये हो गई, यह प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा एवं वस्तु से छोटा होगा। ये हमारे पास दूसरी कंडीशन थी। तीसरी कंडीशन से, तीसरी कंडीशन हम ले सकते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर स्थित हो। तीसरी कंडीशन ले रहे हैं, यहां ही लिख लेते हैं तीसरी कंडीशन, जब वस्तु वक्रता, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर स्थित हो। अब हम सी के लिए देख रहे हैं कि अगर वस्तु वक्रता केंद्र सी पर रखी हुई है तो प्रतिबिंब किस प्रकार के प्राप्त होगा या किस प्रकार के प्राप्त होंगे। पहली कंडीशन देखी मैंने, वस्तु कहां पर थी? अनंत, तो अनंत पर थी तो कहां बन रहा था? मुख्य फोकस पर। अनंत से हम आगे बढ़े, अनंत और वक्रता केंद्र सी के मध्य रख दी तो कहां पर बना? सी और एफ के मध्य, और क्या बना? वस्तु से छोटा। अब बात करें उधर से पढ़ते हुए आ रहे हैं अनंत की तरफ से, अब कहां अगला पड़ाव क्या आएगा हमारे पास? सी आएगा। अब वस्तु कहां पर रखी हुई है? वक्रता केंद्र सी पर, तो देखते हैं कैसा बनेगा। ये हमारे पास ये अवतल दर्पण रहा और ये इसका मुख्य फोकस है, ये मुख्य फोकस, सॉरी मुख्य अक्ष, नॉट मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष। ये यहां पर हम देखें इसका वक्रता केंद्र जो प्राप्त होगा वो इस जगह रहेगा हमारे पास, ये सी है और ये एफ है मुख्य फोकस। वही कंडीशन अप्लाई करते हैं अपन। सबसे पहले जो किरण, ये वस्तु अब कहां पर रखी हुई है? वक्रता केंद्र पर रखी हुई है वस्तु। किस पर रखी हुई है? वक्रता केंद्र पर ये ए बी वस्तु स्थित है। अब बात करें हम पहली वही कंडीशन, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, तो जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ये दर्पण से परावर्तित हुई और मुख्य फोकस से होकर गुजर गई, ये तो पहली किरण। दूसरी किरण हम लेते हैं, दूसरी किरण हम ले लें, या तो फोकस से गुजार दें या इसको ध्रुव पर आपतित कर दें, बात एक ही है। तो दूसरी किरण हम ले लेते हैं कि जो किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, जो किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है वो किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। वो किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो ये जो फोकस से आने वाली किरण है ये दर्पण से परावर्तित हुई और मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, और ये किरण, दोनों किरणें यहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस करती है और यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनता है, ये प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। ये हो गया प्रतिबिंब बी ए बी, मतलब बी ए, तो प्रतिबिंब क्या हो गया? कहां पर प्राप्त हो रहा है? सी पर ही प्राप्त हो रहा है, और प्रतिबिंब कितना है? वो वस्तु के बराबर ही है, वास्तव में किरणें मिल रही है तो वास्तविक हुआ, वास्तविक हुआ तो उल्टा होगा, ठीक से, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे ही बनते हैं। तो क्या हो गया? जब वस्तु वक्रता केंद्र
जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर स्थित होती है तो प्रतिबिंब प्रतिबिंब कहां बनेगा बेटा? वक्रता केंद्र सी पर ही बनता है। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? वहीं बनेगा, वक्रता केंद्र सी पर। यह प्रतिबिंब कैसा होगा? यह प्रतिबिंब वास्तव में किरणें मिल रही है तो वास्तविक हो गया। यह प्रतिबिंब वास्तविक, हमें नजर आ रहा है, ए नीचे जा रहा है, पहले ऊपर था तो उल्टा हो गया। और ऐसे भी ध्यान रखना चाहिए कि वास्तविक हुआ तो उल्टा ही प्रतिबिंब होगा। वास्तविक उल्टा एवं वस्तु के बराबर, जितनी पांच फीट की वस्तु थी तो पांच फीट का ही प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन उल्टा होगा और उसी जगह बनेगा। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं वस्तु के आकार के बराबर, ही होगा। वस्तु के आकार के बराबर ही होगा। तो पहली कंडीशन हमने पढ़ी, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। फिर हम आगे बढ़े, जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र सी के मध्य स्थित हो। फिर हम पढ़े, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर स्थित हो। अब कहां पर बढ़े हम? सी से आगे चलेंगे तो क्या जाएगा? सी और एफ के मध्य स्थित हो। उधर से आगे अनंत से पढ़ते हुए आएंगे और कहां तक चलते रहेंगे? दर्पण की तरफ जाते जाएंगे। वैसे देखते रहेंगे प्रतिबिंब की क्या स्थिति बदलती जाती है, कहां कहां प्रतिबिंब बनते हुए जाते हैं। तो अगली कंडीशन हम ले रहे हैं, फोर्थ कंडीशन, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर मुख्य फोकस एफ के मध्य स्थित हो। फोर्थ कंडीशन, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी जब वस्तु वक्रता केंद्र सी एवं मुख्य फोकस कैपिटल एफ के मध्य स्थित हो, इस कंडीशन में कैसा प्रतिबिंब बनेगा यह हमें देखना है। ये भी हमारे पास अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष, और ये दर्पण का कटा हुआ सिरा होता है, तो ये वक्रता केंद्र सी और ये इसका आधा मुख्य फोकस है, फिर ये ध्रुव। अब जो वस्तु रखी हुई है वह रखी हुई है हमारे पास सी और एफ के मध्य। इधर से आए थे अनंत पे थी, फिर अनंत और सी के मध्य थी, फिर सी पर थी। तीसरी कंडीशन चौथी है सी और एफ के मध्य, अगली कंडीशन एफ पर आएगी। तो ये वस्तु हो गई हमारे पास ए बी वस्तु। वही कंडीशन अप्लाई होगी जो पहले कंडीशन थी, कहां पर बनेगा प्रतिबिंब? सी और एफ के मध्य, तो यहां पर देखा था हमने सी और एफ के मध्य, तो कहां पर था प्रतिबिंब? वही देखना है कहां बनेगा।
अभी चित्र हम स्पष्ट बनाएंगे तो ऑटोमेटिक पता लग जाएगा, ऐसे वक्ता केंद्र से दूर बनेगा क्योंकि इसकी विपरीत कंडीशन है। जब ये अनंत और सी के मध्य रखा हुआ था, जब जाके सी और एफ के मध्य बना था, तो अब सी और एफ के मध्य रखा है तो ये अनंत और उसपे चला जाएगा। देखते हैं देखिए जाता है नहीं जाता है। ये जो किरण, पहली कंडीशन वही, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, जो किरण वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर चलती है कहां से होकर गुजरती है, फोकस से, तो ये परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर गई, इसमें नोट कोई डाउट नहीं है। ये यहां से हमारे पास गुजर रही है किरण दूर, ये आपतित किरण हो गई और ये यहां से इसका परावर्तन हुआ और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर गई। दूसरी किरण या तो ध्रुव पर ले लो या फिर मुख्य फोकस से होकर गुजार दो, बात एक ही। तो दूसरी किरण पर ध्रुव के लिए भी ले सकते हैं और मुख्य फोकस से भी गुजार सकते हैं, तो ध्रुव पे ले लो। जो किरण ध्रुव पर आपतित होती है वो उतने ही डिग्री का कोण बनाते हुए, बराबर कोण बनाते हुए वहां से परावर्तित हो जाती है। जैसे परावर्तित हुई ये यहां पर क्रॉस किया और यहां पर बना इसका प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब का निर्माण। तो प्रतिबिंब क्या है, वास्तव में किरणें मिली है तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब क्या होगा वास्तविक होगा, और क्या होगा उल्टा। अब वस्तु इतनी है और प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है तो क्या हो गया, उसकी उल्टी कंडीशन, वस्तु से छोटा बना था, छोटे से बड़ा बन रहा है तो क्या हो गया, वस्तु से बड़ा बनेगा। वास्तव में मिली तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। तो ये कंडीशन होगी हमारे पास जब वस्तु कहां रखी हो बेटा, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी, वक्रता केंद्र सी एवं मुख्य फोकस एफ के मध्य, एफ के मध्य स्थित होती है तो प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता केंद्र सी से दूर, अर्थात वक्रता केंद्र सी एवं अनंत के मध्य बनता है। बनना सी से दूर जा रहे हैं तो एक तो सी हो गया और एक क्या हो गया अनंत, उसके मध्य बनता है। कैसा होगा, कैसा होगा यह प्रतिबिंब, यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं वस्तु के आकार से बड़ा, से बड़ा होता है। ये हमारे दूसरी कंडीशन की विपरीत कंडीशन से, चौथी वाली जो सेकंड कंडीशन थी उससे विपरीत, क्योंकि वहां पर सी और अनंत और सी के मध्य रखा था और सी और एफ के मध्य चित्र बन रहा था, इसमें सी और एफ के मध्य वस्तु रखी हुई है और प्रतिबिंब सी और अनंत के मध्य बन रहा है। चार कंडीशन हो गई, अब हम इसकी पांचवी कंडीशंस लेते हैं। जब वस्तु एफ और ध्रुव ओ के मध्य रखी हुई हो तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, जब वस्तु एफ मतलब फोकस और ध्रुव के मध्य रखी हुई हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा,
तो देखो जब वस्तु मुख्य फोकस एफ तथा ध्रुव ओ के मध्य रखी हो, कहां रखी हुई वस्तु, अब मुख्य फोकस और ध्रुव ओ के मध्य रखी हुई है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा वो हम देखते हैं। ये कंडीशन थोड़ी सी अलग है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अलग इमेज आएगी जो अभी तक बनी उससे, तो थोड़ा सा इस पे हम स्टार्ट लगा लें क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये हम देखते हैं बात यहाँ पर, ये हमने वापिस वही अवतल दर्पण ले लिया, ये अवतल दर्पण, ये हमने अवतल दर्पण लिया, यहाँ पर कंडीशन वैसी की वैसी अप्लाई करेंगे जो अब तक करते हुए आ रहे हैं, ऑटोमेटिक डायग्राम बनते हुए चले जाएंगे, कोई रटने की जरूरत नहीं है। ये इसका मुख्य अक्ष, यहां बात करें हम इसका जो वक्रता केंद्र प्राप्त होगा वो वक्रता केंद्र यहां हुआ इसका सी और ये इसका मुख्य फोकस एफ। कंडीशन वही है, अब हम कहां रख रहे हैं, ये ध्रुव ओ है, अब वस्तु कहां रखी हुई है, वस्तु रखी हुई है एफ और ओ के मध्य, मतलब वस्तु इस जगह रख दी गई, ये वस्तु यहां पर रख दी हमने, ये वस्तु ए बी, वस्तु ए बी। तो अब क्या होगा, जो किरण कहां चलेगी, पहली कंडीशन किरण तो ये बनानी, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है वो कहां से होकर गुजरेगी, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, ये किरण मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है, मतलब जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर गई, ये पहली कंडीशन हर चित्र में एक ही लिए। दूसरे को हम बना लें कि अगर इसको अपन फोकस से गुजारेंगे तो थोड़ा सा को बनेगा, अपन डायरेक्ट ऐसा करते हैं ध्रुव से गुजार देते हैं, जो किरण ध्रुव ओ, जो किरण ध्रुव ओ से ध्रुव ओ पर आपतित होती है उतने ही डिग्री का कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। दोनों किरणों को देखें हम, दोनों किरणें इस प्रकार से जा रही है फैलती हुई आगे की ओर, तो आगे कोई संभावना नहीं है कि ये किरणें मिल जाए, अनंत पर भी जाकर नहीं मिलेंगी ये किरणें, भविष्य में कभी भी नहीं मिल सकती। एक किरण यूं जा रही है, एक किरण यूं जा रही है, इसको आगे बढ़ाते जाओ, इस प्रकार से गई किरण, एक किरण तो ये जा रही है, एक किरण यूं जा रही है, अब इनको आगे बढ़ाओ, देखिए आगे कहीं मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी, इनका फैलाव बढ़ता हुआ जाएगा, आगे नहीं बढ़े मिलेगी कभी भी। तो उस कंडीशन में जब ये आगे नहीं मिल रही है तो हम इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं, कल्पना करते हुए बांधते हैं कि किरण पीछे बढ़ाते हैं हम, ये पीछे बढ़ा दी, ये पीछे बढ़ाते जा रहे हैं, इस वाले दूसरे इसको परावर्तित किरण को भी पीछे की ओर बढ़ाया, ये बढ़ाते हुए जा रहे हैं परावर्तित किरण को भी, ये यहां पर क्रॉस होती है, सपोज हम मानते हैं कि यहां पर मिलनी चाहिए, ये यहां से आती हुई प्रतीत होती है, तो यहां पर इसका इमेज बनती है ये ए बी। देखे हम, इस वजह से मैंने स्टार लगाया था इस पे कि इसकी इमेज जो है वो फोर जो इमेज अपन ने बनाई है उनसे अलग है अवतल दर्पण में, इस वजह से स्टार ऑलरेडी अपन पहले लगा चुके हैं कि देखे यहां पर ये किरणें, जो किरण क्योंकि वस्तु जो रखी हुई है वो फोकस और ध्रुव ओ के मध्य रखी हुई है, और जब किरण पहली किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है मुख्य फोकस से होकर परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस होकर गुजर जाती है, दूसरी किरण जो ध्रुव पर आपतित होती है उतने डिग्री का कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। अब ये दोनों किरणें
इनका फैलाव बढ़ता जा रहा है तो ये किरणें आगे कहीं भी वास्तव में नहीं मिल सकती और न मिलेगी। तो इन किरणों को हम पीछे की ओर डॉट 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 करके बढ़ाते हैं और ये जहां पर आकर मिलती है वहां पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। मतलब ये किरणें कहां जाकर मिलेगी, ऐसी लगती है कि बिंदु ए से आ रही है, मतलब इमेज है वर्चुअल कंडीशन से, आभासी कंडीशन से। तो ये क्या हो गया, हमें यहां से आती हुई मिलती है तो क्या हो गया, इसका प्रतिबिंब ये छोटा था, ये क्या हो गया बड़ा हो गया। देखें यहां पर बड़ा है, सीधा ही है क्योंकि ए यहां पर भी ऊपर था, यहां पर भी ऊपर है। तो क्या हो गया, प्रतिबिंब क्या बना, सबसे पहले तो प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी होगा क्योंकि रियल में मिलती तो वास्तविक होता, लेकिन ये रियल में नहीं मिल रही, तो कौन सा हो गया प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब हो गया, वस्तु से बड़ा हो गया। और आभासी प्रतिबिंब होगा तो सीधा होगा, क्योंकि मैंने बात करी है कि अगर वास्तविक प्रतिबिंब होंगे तो उल्टे होंगे और आभासी प्रतिबिंब होंगे तो सीधे होंगे। तो देखें यहां पर हम प्रतिबिंब आभासी है क्योंकि रियल में किरणें नहीं मिली, रियल में मिलती तो इधर की ओर मिलती, तो इनको पीछे बढ़ाया तो ऐसा लग रहा है कि यहां से आ रही है बिंदु ए से, तो क्या हो गया ये आभासी प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब। इस स्थिति में बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। तो यहां लिख सकते हैं हम, जब वस्तु मुख्य फोकस एफ तथा ध्रुव ओ के मध्य रखी होती है तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं वस्तु से बड़ा बनता है। यह हमने अवतल दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण की पांच कंडीशंस पढ़ी हैं। अगला टॉपिक हम लेंगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। यह हमने पढ़े थे अब तक अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, और हम ले रहे हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, जिसमें हमारे ये प्रतिबिंब वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, अवतल और उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। अब तक हमने पढ़े थे अवतल दर्पण, अब हम ले रहे हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। ये सबसे पहले तो हम उत्तल दर्पण बनाएंगे, उत्तल दर्पण होगा तो दबी हुई साइड पॉलिश होगी, केंद्र वाले भाग इसका पॉलिश होगा, ये इसका इस दर्पण का मुख्य अक्ष है, इस दर्पण का मुख्य अक्ष, इस दर्पण का ध्रुव ओ, और वक्रता केंद्र जिधर की ओर कर्व होता है उधर की ओर ही आता है, तो ये इसका वक्रता केंद्र सी और ये एफ। वस्तु कभी भी सिलवट
जो भाग होता है पॉलिश वाला भाग होता है उधर नहीं रखी जाती है, किरणें इस पर परावर्तित होगी क्योंकि परावर्तित भाग ये है। तो यहाँ पर हम वस्तु रखेंगे, यहाँ पर एक ही कंडीशन होती है, अवतल दर्पण केवल एक ही कंडीशन आएगी, इसमें सी एफ इसका कोई औचित्य नहीं होता है, क्योंकि यहाँ रखो यहाँ रखो यहाँ रखो यहाँ रखो, क्योंकि ना तो यहाँ सी ए ना यहाँ एफ ए, एफ जरूर हो सकता है वो भी काल्पनिक होगा, इसलिए यहाँ कोई जरूरत नहीं है कि वस्तु कहीं भी रख दे, अनंत से लेकर ध्रुव ओ के मध्य कहीं भी वस्तु रख दी जाए डायग्राम एक ही प्राप्त होता है। देखिए हम यहाँ पर हमने वस्तु कहीं भी रख दे, जहां पर कहा जाएगा जहां स्टूडेंट बोल दे वही रख दो, ये हमने सबसे पहले यहाँ पर वस्तु रखी, ये वस्तु हो गई मेरे पास ए बी, क्या हो गई वस्तु ए बी। अब यहां से ओ से लेकर अनंत के बीच में कहीं भी वस्तु रख दी जाए, उसके बाद हम देखते हैं कि प्रतिबिंब का निर्माण किस जगह होगा, क्योंकि अवतल दर्पण की तो कंडीशंस अलग अलग है लेकिन उत्तर दर्पण की केवल एक ही कंडीशंस है। तो ये जो किरण है सबसे पहले वही कंडीशंस, वस्तु से चलने वाली आपतित किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो क्या होगी, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो ये तो इस प्रकार से अगर ये कंडीशन होती यहां जाती तो ये परावर्तित हुई, यहां से एक किरण इधर की ओर परावर्तित हो गई, इसको पीछे की ओर डॉट डॉट बढ़ाया तो ऐसा लग रहा है मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है ये किरण। दूसरी की बात करें अपन, दूसरी किरण ये जो किरण ये तो मुख्य अक्ष के समांतर आई थी, मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है, और दूसरी किरण जो ये पहली आपतित किरण हो गई, ये दूसरी आपतित किरण हो गई, जो किरण ध्रुव पर आपतित होगी वह उतने ही डिग्री का कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है, ये परावर्तित हो गई। तो ये दो किरणें हो गई, ये किरण तो आपतित किरण, दूसरी परावर्तित किरण, तो ये किरणें कहीं भी नहीं मिल रही है इधर, ये नहीं मिलेगी ये ना मिलेगी, मिल ही नहीं सकती दोनों किरणें। तो इन दोनों किरणों को अपन पीछे की ओर बढ़ाते हैं, इधर की ओर बढ़ाते हैं पीछे की ओर, और देखते हैं कहां पर मिलती है, ये कहां पर मिलती है। तो ये किरण तो ये पीछे की ओर बढ़ी हुई है, नहीं देखो तो ये पीछे की ओर बढ़ा दी हमने, और ये किरण आपतित किरण को भी पीछे की ओर बढ़ा दिया और परावर्तित किरण को भी पीछे की ओर बढ़ा दिया, और ये यहां पर क्रॉस हुई, कहां पर क्रॉस हुई इस बिंदु पर। तो यहां पर इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, ये प्रतिबिंब बन गया यहां पर, ये प्रतिबिंब हो गया ए बी। अब इस प्रतिबिंब को देखकर क्या पता लगाया जा सकता है, जो प्रतिबिंब है वस्तु तो इतनी बड़ी थी और प्रतिबिंब छोटा है तो वस्तु से छोटा होगा, वास्तव में किरणें मिलती तो वास्तविक होता लेकिन वास्तव में किरणें नहीं मिली है, केवल पीछे की ओर डॉट डॉट करने पर बढ़ाने पर मिली है, तो मतलब आभासी कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, आभासी, तो प्रतिबिंब क्या होगा आभासी होगा, और आभासी के साथ क्या शब्द आता है सीधा, क्योंकि देख लो ये ऊपर है तो यहां पर भी है तो सीधा हो गया, तो प्रतिबिंब आभासी होगा सीधा होगा और वस्तु से छोटा होगा। तो क्या हो गया, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव, कंडीशन लगा दी मैंने डायरेक्ट सदैव, मतलब हमेशा हर कंडीशन के अंदर सीधे ही प्राप्त होंगे, आवासी ही रहेंगे और वस्तु से छोटे ही होंगे, ये सदैव के लिए कंडीशन है। तो ये आ गया कंडीशन, चाहो तुम नोट लगा के लगा सकते हैं इसके अंदर कंडीशन, इसकी वही कंडीशन से उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव, ये सदैव शब्द लगा दिया है अपन ने, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी, क्योंकि ये डॉट डॉट मिल रही है, आभासी सीधे, आभासी सीधे एवं, आभासी सीधे एवं वस्तु के आकार, वस्तु के आकार से
छोटे बनते हैं। ये हो गया हमारे पास उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। तो उसमें आभासी मिल रहे हैं, सीधे मिल रहे हैं एवं वस्तु के आकार से छोटे मिल रहे हैं। अब इसकी और कोई कंडीशन हमारे पास नहीं है, जो कंडीशन थी केवल एक ही कंडीशन रहेगी। अब आप घर पर जाकर इस टॉपिक को देखने के बाद घर पे अलग अलग आकृति के चित्र बना के देखना, मैंने वस्तु यहाँ पर रखी है, तो थोड़ा आप लोग थोड़ा दूर रखना, पास रखना, यहाँ रखना, लेकिन कंडीशन यही रहेगी, इसके अलावा कोई कंडीशन प्राप्त नहीं होगी। अब हम अगला टॉपिक लेते हैं, दर्पण के उपयोग, मतलब अवतल दर्पण के क्या उपयोग है, उत्तल दर्पण के क्या उपयोग है और एक दर्पण जहां से चलाता समतल दर्पण उसके भी क्या उपयोग है। तीनों दर्पण के उपयोग हम लिखेंगे। तो दर्पण के उपयोग, अगला टॉपिक है हमारे पास दर्पण के उपयोग। दर्पण के उपयोग यह टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे उपयोग, और उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक्स। तो आज के लिए बस यही हम खत्म करते हैं। धन्यवाद।